हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम लोग कोर्स हीरो का फुल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखेंगे और देखेंगे कैसे हम लोग अपना ट्यूटर अकाउंट कोर्स हीरो पर बना सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम आप लोग ओपन करने के बाद इसमें कोर्स हीरो टाइप करना है, coursehero.com, और coursehero.com टाइप करके आप लोग सर्च करें। जैसे ही आप लोग coursehero.com सर्च करेंगे, वैसे ही आपके सामने ये नया इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इसमें देखेंगे कि जैसे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक आएगा अर्न मनी एज एन ऑनलाइन ट्यूटर, उस पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही अर्न मनी एज एन ऑनलाइन ट्यूटर पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो थोड़ा स्क्रॉल नीचे करने पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज खुलकर आ जाएगा, जिसमें आपको ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालने होंगे। तो ईमेल एड्रेस अपना जो भी आप बनाए हैं इन अकाउंट के लिए आप डाल लें, प्लस पासवर्ड अपना, ऐसा नहीं कि जीमेल का पासवर्ड डालना हो, यहाँ नया पासवर्ड आप डालें अपना। ईमेल एड्रेस डालें प्लस पासवर्ड डालें, और उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके साइन अप एज अ ट्यूटर करें। जैसे ही आप लोग पासवर्ड डाल लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आई एम नॉट अ रोबोट को क्लिक करना है। इसमें आपको कुछ सर्च करने होंगे, ट्रैफिक लाइट्स से उनको आप वेरीफाई कर लें। उसके बाद आपको साइन अप एज ए ट्यूटर पर क्लिक करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इनका जो भी प्रोसेस है वो चार स्टेप में पूरा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंटर योर इन्फॉर्मेशन, जितना भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको फिलअप करने हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप आएंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आपने व्हाट इज़ योर फर्स्ट नेम, आपका जो भी फर्स्ट नेम है वो डाल दें। उसके बाद सेकेंड में लास्ट नेम, जो आपका सरनेम होगा वो डालें। उसके बाद आप कौन से कंट्री में लिव करते हैं वो डालें। उसके बाद आपका एज क्या है, एंड उसके बाद अपना कोई भी एक पर्सनल एक्टिव फ़ोन नंबर डालें जो हमेशा आपके पास रहता हो, या क्योंकि इनका प्रोसेस जब मनी विदड्रॉ कीजिएगा उस समय आपका OTP आएगा, तो इसके लिए आपका अपना पर्सनल और एक्टिव मोबाइल नंबर रहना ज़रूरी है। चलिए अब हम लोग डिटेल भरते हैं। जैसे ही आप लोग डिटेल फिलअप कर लीजिएगा, उसके बाद आपको कोड, मोबाइल कोड वेरिफिकेशन करना होगा। तो उसके लिए आप सेंड कोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेंड पे क्लिक होगा, आपके पास OTP आएगा, उसको आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको इंटर कोड में कोड डालना है जो भी OTP आया है। और वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाइड हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे। इसमें आप लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी है, इसमें आपका मतलब हाईएस्ट एजुकेशन लेवल क्या है, आप मतलब किस फील्ड में प्रोफेशनल है, आपने कभी इसके पहले कहीं पढ़ाया हो, मतलब ट्यूटरिंग की हो, या आप कोई अदर ट्यूटर प्लेटफॉर्म पर काम करते हो, वो सब फिलअप करने हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेक्शन के लिए क्लिक करना है। चलिए हम लोग फिलअप कर लेते हैं। बैचलर्स डिग्री, व्हाट इज़ योर प्रोफेशनल बैकग्राउंड, तो आप इसमें प्रोफेशनल ट्यूटर डाल सकते हैं। हैव यू ट्यूटर बिफोर, तो यस डालिए इसमें। डू यू ट्यूटर ऑन एनी अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, यस। इफ़ यस, मतलब आप अगर ना भी क्यों तब भी
कोई एक प्लेटफॉर्म का नाम डाल दें बेटर होगा आपके एक्सपीरियंस बेसिस के लिए। तो मैंने चेक इंडिया डाल दिया है, उसके बाद मैं नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करूँगा। तो इसमें आपको देख सकते हैं कि मतलब आपने कोर्स हीरो के बारे में कैसे सुना, कोई आपके पास रेफरल कोड है क्या, ये सब डिटेल इंटर करने हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको ले लिया जाएगा। तो है हाउ डू यू हियर अबाउट कोर्स हीरो, इसके लिए मैं सिर्फ सोशल मीडिया, विच सोशल मीडिया, यूट्यूब, इफ़ यू हैव अ रेफरल कोड, कुछ नहीं है तो आप उसको छोड़ दें ब्लैंक और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करें। अब आपको कोई भी 20 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं जिसमें आप एक्सपर्टीज हो। इसमें आप सब्जेक्ट देख सकते हैं कि मैं मैथ्स में बहुत आएंगे, मैथ्स है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, और अदर सब्जेक्ट को मैथ्स पे क्लिक करते हैं तो देखिए इसमें आपको अलजेब्रा आएगा, अप्लाइड मैथमेटिक्स, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, ज्योमेट्री, लीनियर अलजेब्रा, जो भी आपका मतलब फेवरेट है जिसमें आप मतलब ट्यूटरिंग करना चाहते हैं वो सब आप सेलेक्ट करके, मैक्सिमम 20 सब्जेक्ट, इससे ज़्यादा आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। स्टैटिक प्रोबेबिलिटी में सिर्फ दो ही आता है, एक मैटलैब आता है और एक स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आता है। आप देखिएगा तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है। मैं साइंस में केमिस्ट्री लेना चाहता हूँ तो मैं साइंस पे क्लिक करूँगा। जैसे साइंस पे क्लिक करेंगे तो देखिए केमिस्ट्री का एक ऑप्शन आ रहा है, मैं केमिस्ट्री को चूज करूँगा। उसमें मुझे क्या क्या चाहिए, मैं केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये सब करने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करूँगा। फिजिक्स भी सिलेक्ट कर लेते हैं इफ़, लेकिन आप सिलेक्ट कीजिएगा, लेकिन आपको अलग अलग मतलब सभी के टेस्ट क्लियर करने होंगे। तो ध्यान रखें कि वही सब्जेक्ट सिलेक्ट करें जिसमें आप एक्सपर्टीज हो, मतलब उसके आप टेस्ट को क्लियर कर पाएँ। मुझे केमिस्ट्री का एक टेस्ट देना होगा जिसमें लगभग एक अटेम्प्ट रहेगा, आपको 70% से ऊपर लाने होंगे मार्क्स। अगर 10 क्वेश्चन है तो आपको मिनिमम 7 क्वेश्चन तो सही करने पड़ेंगे। तो आप इसका ध्यान दें, और टाइम जो क्विज टाइम रहेगा वो 30 मिनट्स रहेगा। तो चलिए हम लोग इसके क्विज को स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। प्लस आप लोग ध्यान रखें कि मैं जो भी होगा आंसर्स का सॉल्यूशन वो आप इसमें एक बार लास्ट में देख लें, क्योंकि मैं डिटेल वाइज ले इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं कर पाऊंगा ना। स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैंने जो भी क्वेश्चन दिया हुआ था उसको सॉल्व कर लिया है, और जस्ट आप लोग एक बार देख लें उन क्वेश्चनों का आंसर क्या होगा। तो मैंने फर्स्ट का 3.70, सेकेंड सेकेंड क्वेश्चन था जिसका नेमिंग में कुछ प्रॉब्लम था, उसका आंसर होना चाहिए था 3 बॉइलिंग पॉइंट्स का रैंक करना था। थर्ड क्वेश्चन था हाइब्रिडाइजेशन निकालना था, ये तो आइडल गैस कांस्टेंट पे था। मैंने 6th क्वेश्चन को स्किप किया क्योंकि मुझे आंसर समझ में नहीं आ रहा और कोई फ़ायदा नहीं है गलत करने से। वैसे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप चूज कर सकते हो, लेकिन स्टीरियोजेनिक सेंटर्स वो होते हैं जिसमें मतलब एटलीस्ट शायद 2 या 3 डिफरेंट एटम होने चाहिए। तो इसको 2 और 3 डिफरेंट एटम्स अटैच होने चाहिए। जो नहीं दिया हो मतलब वो कार्बन है, तो और इसका आंसर मुझे श्योर नहीं है। कंजुगेट एसिड बेस पेयर
जब सी ओ एच का ओल्ट सी ए ओ एच का ओल्टू का नाम क्या है, ये मोलर रेशियो पे था। और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। अब मैं इसको सबमिट करूँगा एक बार लास्ट में, आप लोग देख लें। बट फादर का प्रोसेस हम लोग करेंगे। चलिए अब हम लोग आंसर सबमिट करते हैं और देखते हैं क्या होता है और एप्लीकेशन पर बैक आते हैं। हम देखते हैं कि क्लियर हुआ या नहीं। तो पास हो चुका है, मतलब मेरे मैंने 9 क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसमें से 7 से ऊपर सही हैं। आई थिंक मेरे 9 में 9 सही होने चाहिए थे, पता नहीं क्या हुआ। और मुझे परसेंटेज का पता नहीं, हो सकता है कि 9 में 9 सही हो, मैंने एक क्वेश्चन स्किप किया था। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं क्या आगे क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप। तो इसमें है कि आपको अपलोड अ सेल्फी विथ योर आइडेंटिफिकेशन कार्ड, इसमें आपका जो आईडी कार्ड होगा उसको सामने रख के फ़ोटो लेना है और उसको अपलोड करना है। तो चलिए हम अपलोड करते हैं जब तक। और सेकेंड वाले में आपको अपलोड करना है प्रूफ ऑफ एजुकेशन, मतलब आपका जो अगर आईडी, मतलब सपोज कीजिए कि आप बैचलर डिग्री हैं तो आपका जो भी बैचलर्स का जो डिग्री होगा ना उसका सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। और एक में अपलोड करना है आपका फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड, मतलब कोई भी आप इसमें जनरली हो को पैन कार्ड को आप अपलोड करें और पैन कार्ड के संग ही आप लोग सेल्फी लें। और थर्ड स्टेप में आप लोग जो भी आपका मतलब कॉलेज से जो सर्टिफिकेट है वो, मतलब तीन आपको अपलोड करने हैं। चलिए हम अपलोड करते हैं जब तक। तो फ्रेंड्स मैंने तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया है, अब चलिए मैं इनको सबमिट करता हूँ और दिखाता हूँ कि उसका फर्दर प्रोसेस क्या है। तो योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिसीव्ड, और मैंने पूरा जो प्रोसेस था उसको कंप्लीट कर लिया है और इंतज़ार करता हूँ कि एप्लीकेशन जो है अप्रूव होता है या नहीं। जनरली होता है क्या है कि आप अगर न्यू कमर है और पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो 50-50% चांसेस है कि अप्रूव हो जाएंगे अगर आपके पास अच्छा क्वालिफिकेशन है। मतलब आप अगर सब्जेक्ट चूज करते हैं केमिस्ट्री में, अगर आपने जो बैचलर डिग्री आपने केमिस्ट्री में ली हो तो आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब आप प्रोफेशनल है जिस फील्ड में और उस सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके संग थैंक यू।